बहुत बच्चों की लगातार डिमांड के बाद लीजिए हाजिर है आपके शहर में सॉल्ट एनालिसिस। नाउ आज हम सीखेंगे सॉल्ट एनालिसिस। एग्जाम टाइम है, प्रैक्टिकल टाइमिंग्स हैं और हमें अपने इन प्रैक्टिकल्स को बड़े ध्यान से करना चाहिए। बहुत बच्चा टेंशन में इधर से उधर घूमता फिरता है कि पता नहीं सॉल्ट एनालिसिस क्या होगा क्या नहीं होगा, साल भर तो लैब में गई नहीं और अब एकदम से एनालिसिस सामने आ गया तो आखिर इसमें क्या होगा क्या नहीं। अरे कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझिएगा। मैं आज आपको कुछ शॉर्टकट मेथड में सॉल्ट एनालिसिस के बारे में बताता हूं कि आप इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर पार्ट वन रहेगा जहां हम एसिड रेडिकल के बारे में सीखेंगे और पार्ट टू के अंदर हम बेसिक रेडिकल के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले जान लीजिए एनालिसिस का आखिर मीनिंग क्या होता है। एनालिसिस का मतलब है टू एक्सप्लोर गिवन सैंपल, किसी भी सैंपल को एक्सप्लोर करना, उसे जान लेना, पहचान लेना, इसे एनालिसिस कहा जाता है। दो तरह का, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब जब आप अमाउंट पता लगाते हैं, जैसे आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, वहां आप अमाउंट पता लगाते हैं, आप स्ट्रेंथ पता लगाते हैं, आप नॉर्मेलिटी पता लगाते हैं, उसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। और एक है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये पता लगाते हैं कि क्या प्रेजेंट है, उसमें कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, हम ये पता लगाते हैं। जहां तक हम जानते हैं सॉल्ट, सॉल्ट एक ऐसी चीज जिसमें कैटायन एनायन दोनों होते हैं, एक पार्ट एसिड से आता है एक पार्ट बेस से आता है। तो सॉल्ट के दो कंपोनेंट हुए, एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल यानी एनायंस, बेसिक रेडिकल यानी कैटायन। आज हम सबसे पहले एसिड रेडिकल के बारे में जानेंगे। यहां बड़े ध्यान से कुछ ही टेस्ट के अंदर हम अपने इस टॉपिक को फिनिश कर डालेंगे, तो बड़े ध्यान से देखना, कुछ शॉर्टकट ही इनको कहा जा सकता है। देखिए सीधा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं आपको बताता हूं कैसे करना चाहिए। सबसे पहले एनायन या एसिड रेडिकल तीन ग्रुप में डिवाइडेड है। वो रेडिकल जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप कहा जाता है। कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट। ऐसे रेडिकल जो डाइल्यूट के साथ नहीं रिएक्ट करते, कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप में उनको रखा गया। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसिटेट एटसेट्रा। और ऐसे रेडिकल जो इन दोनों में से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंट ग्रुप में सल्फेट, फॉस्फेट। आपके एग्जाम में सल्फेट ही आता है, मैक्सिमम स्कूल्स में सल्फेट ही होता है, तो यहां सल्फेट को ही लिया गया है। तो देखिए कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट को मिनिमम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। स्टेप्स ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने कहा सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट को मिनिमम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, ज्यादा वाटर नहीं, मिनिमम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। अगर ये डिसॉल्व हो गया सॉल्युबल सॉल्ट है, अगर डिसॉल्व नहीं हुआ इनसॉल्युबल सॉल्ट। जितने भी नाइट्रेट होते हैं सभी सॉल्युबल होते हैं। बाय चांस ये इनसॉल्युबल हुआ तो इतना तो श्योर है नाइट्रेट वहां पे नहीं होगा। तो हमने सॉल्ट को पहले मिनिमम वाटर में डिसॉल्व किया और सबसे पहले आप इसके अंदर BaCl2 मिलाएंगे। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले हमने BaCl2 मिलाया। BaCl2 थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी साथ में आप मिला सकते हैं। BaCl2 मिलाया, जरा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। अगर आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर आते हैं तो दो पॉसिबिलिटी, या तो सल्फेट होगा या सल्फाइट होगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट आते ही आपका ध्यान सिर्फ सल्फेट और सल्फाइट, इन दोनों में से कुछ एक प्रेजेंट हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे, इन व्हाइट प्रेसिपिटेट के अंदर आप इसमें HCl मिलाएंगे, डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। डाइल्यूट HCl मिलाने पर अगर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया, अगर प्रेसिपिटेट
डिसॉल्व हो गया तो इसका मतलब वहां पे सल्फाइड रेडिकल प्रेजेंट था, और अगर ये डिसॉल्व नहीं हुआ, इफ इट इज नॉट डिसॉल्व, अगर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब सल्फेट प्रेजेंट था। तो जैसे ही आपको सॉल्ट मिलता है, आप सॉल्ट में पानी में और उसके अंदर BaCl2 डाल के देखें, और व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर आगे HCl डाला, डिसॉल्व हो गया तो सल्फाइट, नहीं हुआ तो सल्फेट। मैक्सिमम केस में यहीं पर हमें जवाब मिल जाता है। अगर आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आते हैं तो इतना तो श्योर है सल्फेट एबसेंट होगा, सल्फाइट एबसेंट होगा। प्रेसिपिटेट आ जाए तो भी अच्छा, आपको मालूम पड़ जाएगा इनमें से कुछ होगा। अगर नहीं आए तो भी अच्छा, कम से कम ये प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपने सबसे पहला टेस्ट ये करके देखा, टेस्ट नंबर 1। अब इसके बाद क्या करें, अब आप दूसरा टेस्ट करें। आप उतना ही थोड़ा सा सॉल्ट लें, पानी मिलाएं, और इसके अंदर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या पहले आप इसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लैब में अवेलेबल होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन आपने इसके अंदर डाल दिया। ध्यान से, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन डाल दिया, और अब ऐसा करें आप इसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे अलोंग द साइड वॉल्स। मीनिंग, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब है तो बड़े ध्यान से ऐसे टेस्ट ट्यूब को इंक्लाइन करके बड़े ध्यान से उसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या तो किसी ड्रॉपर की हेल्प से या बड़ी सावधानी से आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, ताकि साइड वॉल से होता हुआ ये सल्फ्यूरिक एसिड नीचे की तरफ जाए। जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि टेस्ट ट्यूब में नीचे यहां पर ब्राउन या ब्लैक कलर का रिंग बन जाएगा, ब्राउन या ब्लैक कलर का रिंग बन जाएगा। अगर ये रिंग बनता है तो इसका मतलब हुआ नाइट्रेट कंफर्म है, नाइट्रेट प्रेजेंट है, इसे रिंग टेस्ट कहा जाता है। अगर रिंग नहीं बनता और उसकी बजाय पूरा सॉल्यूशन आपका ब्लैक हो जाता है या डार्क ब्राउन हो जाता है तो इसका मतलब होगा नाइट्राइट वहां पे प्रेजेंट है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में FeSO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ब्राउन रिंग आ गया, तब तो यहां नाइट्रेट है, सारा डार्क हो गया तो नाइट्रेट। 1 मिनट का समय नहीं लगेगा इस टेस्ट को करने में और तुरंत बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इस टेस्ट के जरिए आप पता लगा सकते हैं रिंग आ गया तो नाइट्रेट है, नहीं आया तो एब्सेंट है, सारा डार्क हो गया तो नाइट्राइट है, नहीं आया तो एब्सेंट है। तो 2 टेस्ट में 4 रेडिकल हमने कंपेयर कर लिए, 4 रेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। चलिए मान लेते हैं यहां तक भी आपका रेडिकल नहीं निकला, तो अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे तीसरा टेस्ट जो कि है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, यानी सॉल्ट मिनिमम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे और इसमें मिलाएंगे जरा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिलाएंगे और निकलने वाले बनने वाले प्रेसिपिटेट की तरफ ध्यान देंगे। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं तो क्लोराइड कंफर्म, अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट आते हैं, लाइट येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, ब्रोमाइड कंफर्म, अगर डार्क येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, आयोडाइड कंफर्म। आप समझ पाएंगे सॉल्ट वाटर और उसके अंदर H2SO4 AgNO3 प्रेसिपिटेट आए, कलर देख लिया व्हाइट है या पेल येलो है या डार्क येलो है, तुरंत आपको 3 रेडिकल के बारे में मालूम पड़ जाएगा। तो इस तीसरे टेस्ट से हमने 3 रेडिकल के बारे में जान लिया। अगर कोई प्रेसिपिटेट का कलर आ जाए तो ठीक है, इट्स ओके, आपके पास रेडिकल आ गया। अगर नहीं आया तो ये सभी के सभी एब्सेंट हो जाएंगे। 3 टेस्ट में हमने यहां पर 7 रेडिकल्स के बारे में जान लिया,
तुरंत ही। अलग अलग टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, 7 अलग अलग टेस्ट करने की बजाय इन 3 टेस्ट के अंदर ही आप इस चीज को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। सपोज अभी तक कुछ नहीं आया, कुछ आया ही नहीं अभी तक, तो अब आप श्योर हो जाओ 3 चीजों में से कुछ एक प्रेजेंट होगा। अब क्या करोगे देखो, अब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करोगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करोगे। ध्यान से, आपने इस टेस्ट को करने से पहले एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेनी है, फिल्टर पेपर लैब में अवेलेबल होता है, एक पतली सी स्ट्रिप, उसमें से आपने टियर कर ली, उसे लेड एसिटेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। इसे लेड एसिटेट पेपर कहा जाता है, लेड एसिटेट का सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर डिप किया, लेड एसिटेट पेपर कहा जाएगा। और अपनी इस टेस्ट ट्यूब में आपने वो फिल्टर पेपर यहां पर लगा दिया, इस तरह से आपने लेड एसिटेट पेपर यहां पे लगा दिया, ये अरेंजमेंट किया। क्या क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट प्लस लेड एसिटेट पेपर यहां पे प्रेजेंट है, और अब इसमें आपने मिलाया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। अगर आपका लेड एसिटेट पेपर इस वक्त ब्लैक हो गया, अगर लेड एसिटेट पेपर ब्लैक हो गया तो इसका मतलब है सल्फाइड प्रेजेंट होगा, सल्फाइड प्रेजेंट होगा। सल्फाइड का कोई भी टेस्ट आगे हम कर सकते हैं। अगर ये ब्लैक नहीं हुआ और यहां से ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकलते हैं, ब्रिस्क एफर्वेसेंस बहुत तेजी से बबल्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक खोलने पे तेजी से बबल्स निकलते हैं, अगर ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकलते हैं तो कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। तो एक ही टेस्ट में अगर लेड एसिटेट पेपर ब्लैक हो गया तो सल्फाइड, नहीं हुआ बबल्स आए तो कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हम इन 2 के बारे में बता सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो क्या बचता है अब आपके पास? सिर्फ और सिर्फ एसिटेट। एसिटेट को अब यहां पर आप टेस्ट कर सकते हैं, एसिटेट का टेस्ट किया जा सकता है। तो लास्ट में हमारे पास बचता है टेस्ट फॉर एसिटेट आयन। सिर्फ 5 टेस्ट हमें करने हैं और इन 5 टेस्ट के अंदर हमारा एनायन का पूरा टेस्ट हो जाएगा। एसिटेट का टेस्ट कैसे करते हैं? कई तरह के टेस्ट हैं। आप सॉल्ट को अपने हथेली पे लें, पाम पे लें, थोड़ा सा एनएएच डालें, 1-2 बूंद वाटर डालें और उसे रब करना शुरू कर दें। सॉल्ट को रब करना है, किसी की याद आ रही है? खैनी, गुटका, भूल जाएं उसको, ये सॉल्ट है। अपने ध्यान को यहीं पर रखें, आप सॉल्ट को इस तरह से रब करेंगे और स्मेल को देखेंगे, विनेगर लाइक स्मेल, सिरके जैसी स्मेल। अगर विनेगर लाइक स्मेल आती है, सिरके जैसी स्मेल आती है, तो वहां पर एसिडेट कंफर्म होगा। तो इस तरह से बच्चों, इस आसान मेथड को फॉलो करके आप बड़ी आसानी से एसिड रेडिकल का टेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 टेस्ट करने हैं, हर एक का अलग अलग टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बेशक से आपने टेस्ट याद किया हो, आप उसे लिख के आ सकते हैं, अदरवाइज एग्जामिनेशन में जो रेडिकल आपने फाइंड आउट किया उसका कंफर्मेटरी टेस्ट आप लिख लीजिए, और इस तरह से बड़ी इजीली एनायन के टेस्ट को वहां पर बताया जा सकता है। तो देखते रहिए, अगले हम वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सिखाएंगे कैसे शॉर्टकट में बेसिक रेडिकल को एनालाइज किया जा सकता है।